Good evening students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class we discuss the social and new social movement. Firstly हम social movements के बारे में पढ़ेंगे जो 1917 से पहले and then new social movement. But particularly there are the many movements, social movements to deal with the societies and the for the welfare of the social development. But we study particularly ऑन द सिलेबस बेसिस. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट क्या होती हैं. सोशल मूवमेंट जो हैं वो जनरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स सम स्पेसिफिक गोल. जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो उनका मेन एक स्पेसिफिक गोल होता है. एंड देन ए सोशल मूवमेंट हैज़ ए वे टू अप्रोचिंग टू ब्रिंग अबाउट ऑफ द प्रिवेंट चेंज. और ये चाहती हैं, कोई भी सोशल मूवमेंट होती है वो चाहती है कि हमें क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए इन द सोसाइटी. ओके, अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो सोशल मूवमेंट क्या करती हैं, एमर्ज होती हैं न्यू स्कोप्स ऑफ रेंज इन पॉलिटिक्स एनवायरमेंट द राइट्स द रोल ऑफ वुमेन एंड नन ऑफ विच वी आर कंसिडर्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिटिक्स. और हाँ, जो भी सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स इन विच ऑर्डनरी पीपल, कॉमन पीपल, जनरल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, देयर आर द मेजर कंसर्न फॉर द न्यू मूवमेंट्स. ओके, नेक्स्ट है ये इसकी ना, इसका मीनिंग था कि सोशल मूवमेंट क्या होती हैं और न्यू सोशल मूवमेंट क्या होती हैं. ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट जो होती हैं ना वो इमर्ज होती हैं रेंज ऑफ द पॉलिटिक्स, न्यू स्कोप एंड रेंज ऑफ द पॉलिटिक्स. ठीक है, ये जो होती हैं न्यू सोशल मूवमेंट जो होती हैं इज़ ए न्यू अराउंड न्यू स्कोप एंड रेंज ऑफ पॉलिटिक्स. उसके बाद है सोशल एंड वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट. ओल्ड सोशल मूवमेंट की बात करें एंड न्यू सोशल मूवमेंट जो हैं वो डिफाइन की गई हैं एंड द बेसिस क्राइटेरिया. द ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ना रिवॉल्व अराउंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, वेयर एज जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना ये ट्रांसेंडेड देयर पॉलिटिकल लिमिट्स एंड हैव सम ऑटोनोमस इन नेचर. ठीक है, मतलब कि इनके खुद की ऑटोनोमस है इन नेचर में. कहने का मतलब है कि जो ओल्ड मूवमेंट्स हैं उनमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा या पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व्स रहती हैं अराउंड में रहती हैं. ऑन द अदर हैंड आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो विद द हेल्प ऑफ द सोशल मूवमेंट से अपने एजेंडे को प्रमोट करती हैं. ओके, जो ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स, जो न्यू सोशल मूवमेंट है इनमें पॉलिटिकल लिमिट्स है और ये एक ऑटोनॉमस इन नेचर है, मतलब कि ज़्यादा पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जाती है. बट इन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज़ सोशल मूवमेंट को एजेंडा बनाती हैं और अपनी पावर को अक्वायर करती हैं, पावर को अक्वायर करके उस पर दबदबा बनाती हैं या गवर्न करती हैं. उसके बाद है द ओल्ड सोशल मूवमेंट का एम जो होता है ना ये क्या होता था, सिक्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. देखो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द ओल्ड सोशल मूवमेंट, सिक्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड राइट एसोसिएटेड विद सिटीजन एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी. बट जो सोशल न्यू सोशल मूवमेंट का होता है कि सिविल सोसाइटी अगेंस्ट द पॉलिटिकल पावर, इसको पॉलिटिकल पावर के खिलाफ जाते हैं एंड देन सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, मेकिंग करते हैं एंड देन लेजिस्लेटिव चेंज थ्रू आउट द स्टेट कि किस तरीके से लोगों के एक बेसिक राइट्स को प्रिजर्व करता है. ओके, उसके बाद है द ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ना ये करैक्टराइज करते हैं बाय फॉर्मल एंड हायरार्कल स्ट्रक्चर्स, वाइल द जबकि दूसरी न्यू सोशल मूवमेंट्स होती है ना ये अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, एक इनफॉर्मल इन नेचर रादर बींग द स्ट्रक्चरल्ड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, उसके बाद है ओल्ड सोशल मूवमेंट जो ओरिएंटेड होती हैं ना ये टूवर्ड्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से होती हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया, थ्रू विच चेंज भी अचीव्ड, और ये उसकी वजह से ही चेंज लाती हैं या अपने एजेंडों को अचीव कर पाती हैं, अपने एम्स को अचीव कर पाती हैं. दूसरी तरफ न्यू सोशल मूवमेंट जो होती है ना वो एम्फोसाइज होती हैं मोर इनोवेटिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्शन, मीन्स दैट मोर इनोवेटिव फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट एक्शन. उसके बाद है फार्मर्स मूवमेंट. फार्मर मूवमेंट्स में हम देखेंगे द बिगनिंग ऑफ द न्यू फार्मर्स इन जर्नली सीन्स इन दैट हमें देखने को मिलता है 1980s में. क्यों? क्योंकि इट्स जेंसिस रिक्वायर्ड दैट स्क्रैचिंग बैक स्ट्रेच्ड बैक टू द अर्ली डिकेड्स ऑफ द, आपने देखा होगा फार्मर मूवमेंट्स हुई थी जब इमरजेंसीज के टाइम पीरियड पे. दिस वॉर वॉज, इससे क्या हुआ था कि डिसाइड हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशंस जो ग्रीन रेवोल्यूशन इसका अल्टीमेटली रिजल्ट निकला जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़
एज़ वेल एज़ लीडर ने क्या किया, पॉलिटिकल फार्मर्स या फिर जो फार्मर्स थे उनकी हेल्प की और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रजर्व किया और उनकी हेल्प की, जिससे वो क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्शन, अपनी इरिगेशन कैपेबिलिटी को या अपने इरिगेशन प्रोडक्शन को वो इम्प्रूव कर सकें, इज़ आल्सो दैट से द फार्मर मूवमेंट्स। ठीक है, 1970s में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था, हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज़ द एम स्वामीनाथन, जिसमें हमें बताया गया था कि उन्होंने HVY सीड्स का यूज़ किया था, जिससे क्या होता था, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई थी, होती थी इंडिया में। ठीक है, बट यहाँ पे मेन पर्टिकुलरली राइस, वीट एंड मेज़ पे था मेन जो फोकस था। ठीक है, द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से फार्मर मूवमेंट्स हुई, पहला तो कि ट्रेड गोइंग अगेंस्ट द एग्रीकल्चर, जो ट्रेड तो होता था ना वो अगेंस्ट होता था एग्रीकल्चर से। अब देखो किसानों से तो ले लिया जाता था, बट जो बाकी उनका जो मेन बेनिफिट्स था वो किसानों तक नहीं पहुँच पाता था। उसके बाद एग्रीकल्चर लूजिंग प्रपोजिशन प्रपोशंस, इंक्रीजिंग इन इनपुट्स प्राइसेस, मतलब कि अगर अगर हम जैसे कि वो एक तो पहले ही इनपुट प्राइसेस ही बहुत कम होते थे और प्रोडक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जब से हमने हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, डिक्लाइनिंग, ये भी एक कारण था, रीजनेबल रीज़न था कि जिसकी वजह से डिक्लाइनिंग पर कैपिटा इनकम होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और भी बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से फार्मर मूवमेंट्स हुई थी भारत में। उसके बाद है, वन सच मूवमेंट वॉज एविडेंट, एक मूवमेंट है जो एक सबूत के तौर पर पेश होती है फार्मर मूवमेंट्स में, जो कि हेल्ड हुई थी 1968 में मेरठ उत्तर प्रदेश में। 20,000 फार्मर ने गैदर किया था फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू द, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को बहुत इंक्रीज़ कर दिया था इन द ईयर ऑफ 1968। उसके बाद है वर्कर्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट मींस जो लोगों के वर्कर्स के द्वारा चलाई गई थी। 74 में आपने देखा होगा मेजर रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी, द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द स्टेट एंड ट्रेड। ये वर्कर्स मूवमेंट्स तब की जाती हैं, ऑब्वियसली कोई भी मूवमेंट्स तब ही की जाती है जब उन क्राइटेरिया के लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो ना दिए जाएं। ओके, उसके बाद है जब इमरजेंसी लगी 75 to 77, द गवर्नमेंट कर्व्ड ऑल ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ बंद कर दी। दिस अगेन वॉज शॉर्ट लिव्ड, और जो वर्कर थे ना, वर्कर मूवमेंट्स वॉज वेरी, हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो देट इज़ द मेन काज, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वर्कर्स जो थे क्या वो कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम नीचे देखेंगे वर्कर्स मूवमेंट की। पहला है NFF, नेशनल फिश वर्कर्स, 1970s to 1980s के बीच में लोकल फिश ऑर्गेनाइजेशन फॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द इश्यूज ऑफ देयर लाइवलीहुड। लोग स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ना इशू क्रिएट कर दिए थे ओवर द इशूज देयर इनकी लाइवलीहुड पे, आफ्टर द पुलिस एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से। एंड अराउंड मिड 80s में, मिड 80s मीन्स 1985 तक, दीज ऑर्गेनाइजेशन वेयर कम्प्लेक्स टू कम टुगेदर एंड नेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये 1985 तक आते आते इसने एक खूंखार रूप ले लिया था और ये नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई थी, नेशनल लेवल का ये इशू हो गया था। कब? 1980s में। ठीक है, 1980s, और पर्टिकुलरली एग्जैक्ट जब ये नेशन पे आई तो ये 1985 में थी। ठीक है, और द वर्कर ऑफ, जो NFF के वर्कर थे वो कंसोलिडेटेड नॉट गॉट कंसोलिडेटेड व्हेन 1991 इट वाज फर्स्ट बैटल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट इन सक्सेसफुली, और इनकी पहली लड़ाई जो थी या उनके खिलाफ आवाज़ उठाई वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए थी और यूनियन गवर्नमेंट से ये सक्सेसफुल हुई। उसके बाद है द इश्यूज अबाउट द गवर्नमेंट डीप सी फिशिंग पॉलिसी, इस पे था जिसकी वजह से इंडियाज वाटर टू लार्ज कमर्शियल इंक्लूडिंग दोज, मतलब कि ये बोलते थे कि जो हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ना, फिशिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे करनी है, बट ये अंडर वाटर सीज पे डीप सी फिशिंग पॉलिसीज़ को लाया था। दैट्स वाई जो फिशर वर्कर थे उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद है इंडिया
इट वर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज पीपल हु स्लीट इन फिशिंग एंड सब्सिस्टेंसेस, उनको भी प्रॉफिट देना जो कि जिनके जो फिशिंग मतलब कि गैदरिंग करने में बहुत जो नाकाम है, मतलब कि जिनको इतना आइडियाज़ नहीं है कि फ़िशिंग फार्मिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके से मछलियों को पकड़ा जाए। जुलाई 2002 में NFF कार्ल डे नेशन वाइड स्ट्राइक हुई जिसमें अपोज द मूव गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर द फॉरेन ड्वेलर्स। आज के टाइम पे अगर करंटली देखोगे तो ये श्रीलंका के साथ इशू चल रहा है हमारा, ठीक है। श्रीलंका और इंडियन के बीच में एक आइलैंड है जिस पे इशू है, 90 इंदिरा गांधी के टाइम पे गवर्नमेंट ने वो उस आइलैंड को क्या कर दिया था, श्रीलंकन को दे दिया था। आज के टाइम पे वो फिशर का लिए यूज़ किया जाता था और इसलिए ही उस इशूज़ को आप इससे वो कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी एंड प्रोटेक्ट lives of the fisher workers, NFF join hands with organization, और बाद में देखो ecology और protect their lives of the fishes, NFF ने क्या किया था कि वो एक organize मतलब कि एक organization जैसी बन गई थी और बहुत सारी organization से इसने क्या कर दिया था, handshake कर लिया था, मतलब कि संस्थाएँ जुड़ गई थी। उसके बाद है वुमेंस मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट्स भी बहुत सारी हुई इंडिया में, देखो चाहे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, वो भी चाहे आप चिपको आंदोलन हो, ठीक है, वहाँ पे भी वुमेंस का बहुत नीचे बताया गया है चिपको मूवमेंट के बारे में, वहाँ पे भी वुमेंस का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, योगदान रहा है। देखो द एंटी अटैक मूवमेंट ऑफ वुमेन इन आंध्र प्रदेश, जो एंटी अटैक मूवमेंट थी औरतों की आंध्र प्रदेश में, ये एक मोस्ट हिस्टोरियन और बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट रही 1990s में। वुमेन ने हिस्टोरिकल रोल प्ले किया यहाँ पे टू बैन ए कंजम्पशन एंड स्केल ड्रिलिंग लिक्वर इन आंध्र प्रदेश, डिस्टल्ड लिक्वर इन आंध्र प्रदेश, कहने का मतलब है कि शराब को या फिर इस तरीके से ना वो किया जाए। द मूवमेंट इन डिड वॉज नॉट जस्ट फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ लिक्वर बट द प्रोटेक्शन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द, देखो इसमें इसको ही बंद करना ही नहीं था, ठीक है, इस मूवमेंट में इसको ही क्लोज करना नहीं था, बट आल्सो द प्रोटेक्शन ऑफ सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द लाइव्स एंड कल्चर्स, ओके। जो रूरल वूमेंस थी इन विलेज की, राइज देयर वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाना स्टार्ट किया अगेंस्ट द डीजनरेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लैम थॉट थॉट एंड डैमेज सीज्ड बाय द मैन एंड द चिल्ड्रन बाय देमसेल्फ। मेन मोमेंट्स इसका ये था कि वो जो उससे गलत प्रभाव पड़ रहा था सोसाइटीज़ पर, वो जो वुमेंस थे उनके चाइल्ड पर, और इससे क्या हो रहा था, लोगों की लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा उनको उससे डिमेरिट हो रहे थे, उससे नुकसान हो रहा था, इसलिए इन्होंने ये मोमेंट स्टार्ट की थी। उसके बाद है देर आर द मैनी मोमेंट्स इन दिस चैप्टर बट वी डिस्कस ओनली मेन मोमेंट्स। उसके बाद है इकोलॉजिकल मोमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट इज ऑल्सो ए सोशल मूवमेंट विच रेफर्स, जो कि डील करती है कमिंग्स टूगेदर फॉर वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि करते हैं कलेबोरेशन इन सोशल साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड कन्वर्सेशनल फील्ड। मेन पर्पस इसका है कि एड्रेसिंग इन्वायरमेंट कंसर्न, द मेन पर्पस ऑफ इट इज़ टू एड्रेसिंग द इन्वायरमेंट कंसर्न, दैट मीन्स कि हम क्या करें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते ही, इन्वायरमेंट को हम क्या करें डिमेरिट ना पहुँचाएँ, हानि ना पहुँचाएँ, इसलिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। न्यू फॉर्म्स बनाई गई इस मूवमेंट की, पॉलिटिकल एक्शन लिए गए, और उसके बाद फ्यू सोशल मूवमेंट्स जो इससे डील करती थी। अब देखो बहुत सारी और भी मूवमेंट्स थी जो इकोलॉजिकल मूवमेंट्स को इससे डील करती थी, जैसे मैराइन इकोसिस्टम को प्रजर्व करना, इकोलॉजी को प्रजर्व करना। देर आर द मैनी मूवमेंट्स, इकोलॉजिकल मूवमेंट हैव बीन सेटअप by the people, by the national non-governmental organization to set up or to protect for the ecology, ठीक है, protect the marine ecosystem. Okay, so the next one is Chipko movement. Chipko, that means Chipko is a hugging of a tree. It means that the hugging of a tree. Okay. उसके बाद है इन अर्ली 1973 चिपको मूवमेंट ए विलेजेस ऑफ उत्तराखंड वेयर बोथ द विन वाइब्स एंगेज्ड इन ए वेरी यूनिक फॉर द कलेक्टिव एक्शन। इन्हें बहुत एक वुमेन ने बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एक्शन लिया। द विलेजेस वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिकल ऑफ कमर्शियल लॉगिंग। इन्होंने क्या किया, जो विलेजेस के कॉमन पीपल थे उन्होंने क्या किया, कमर्शियल लॉगिंग हो रहा था, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी फॉरेस्ट्री की, इन्होंने
गवर्नमेंट को बोला कि इसको बंद कर दें। दे अडॉप्ट ए न्यू मेथड टू पेन टेस्ट एंड दे हग ट्री प्रिवेंट दैम एंड फ्रॉम कट डाउन। उन्होंने बोला कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो हमें आपको नहीं आपको हमें काटना होगा, उसके बाद ही आप। दिस प्रोटेस्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंट मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। और ये पूरी दुनिया में बाद में ये फेमस मूवमेंट हुई, इसको हम नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट से आपको तीन बातें याद रखनी है, कहाँ हुई, कब हुई और इसका मेन एम क्या था। मेन एम आपको तो पता ही है, और बस यही बातें हैं इस पेपर के रिगार्डिंग, इस पेपर के रिगार्डिंग यही इस इन लाइन से तीन। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अर्ली 1980s में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए नर्मदा वैली में, ठीक है। द प्रोजेक्ट ऑफ 30 बिग डैम्स, 35 मीडियम डैम्स एंड अराउंड 300 स्मॉल डैम्स टू बी कंस्ट्रक्टेड ए नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो नाउ इट्स मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। बट नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब एक रिवर है, इससे क्या करना था, इसको कट करना था, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने थे और छोटे छोटे डैम्स को मर्ज करना था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस डैम इज़ टू प्रोटेक्ट फॉर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन गुजरात एंड नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, इसको जोड़ना था। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज मूवमेंट स्टार्टेड टू सेव नर्मदा एंड अपोज स्ट्रक्चर ऑफ दिस डैम्स, कि आप इसको मर्ज नहीं कर सकते, जितना है वही आज के टाइम पे भी सरदार सरोवर और नर्मदा रिवर पे मतलब कि प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, बट टू प्रोटेक्ट वो ध्यान में इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट को या फिर एक नर्मदा रिवर को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये भी एक मल्टीपर्पज़ मेगा स्केल डैम था। ये प्रोवाइड था ड्रिंकिंग, ये बनाया गया था प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इरीगेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बट बिसाइड्स दिट इट वॉज बिलीव दैट डैम वॉज ऑल्सो हेल्प टू द इफेक्टिव फ्लड्स एंड ड्रॉट कंट्रोल इन दिस रीजन। द प्रोजेक्ट हैड प्रॉब्लम विच वी आर, इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट 2-5 विलेजेस जो थे वो 3 स्टेट्स में थे, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। यस नहीं है, इसमें क्या था, एक्सेक्टेड गेट सबमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन। ये सारे के सारे इतने विलेजेस इस प्रोजेक्ट में आने थे, ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें, और इसको बाद में इट वाज इट रिक्वायर्ड रीलोकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 lakhs पीपल फ्रॉम दोज विलेजेस, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 lakhs, 2.5 lakh तक। द इश्यूज ऑफ रिएक्शंस प्रॉपर हिट इन द प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपल, और इस प्रोजेक्ट ने हिट किया लोगों को ड्यूरिंग 1968 में, जिसमें क्या हुआ, गेट स्ट्रेंथन, लोगों ने लोग इकट्ठा हुए एंड देन बैन ऑफ NHA विच इज़ द लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाई पीपल। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड हुआ जिसमें क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, देखो जितने भी प्रोजेक्ट ये बनाए गए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इनको ना पहले जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही थी वो क्या कर रही थी, इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रही थी। बाद में कमेटीज़ बनाई गई जिसमें क्या बोला गया कि आप प्रोजेक्ट बनाओ बट एक 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 क्राइटेरियाज एक किसी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और दूसरों मतलब कि दूसरों के जो लाइव्स है उसको आप डिमोलिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, RTI एक्ट, ठीक है। बट हम इसके रिगार्डिंग स्टडी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन की, हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वन दैट द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1990 व्हेन ए मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान में हुआ। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट द मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान में स्टार्ट हुआ। इज इनिशिएटिव फॉर डिमांडिंग वर्कड ऑफ लाइंड वर्क एंड अकाउंट ऑफ लेबरर्स, द मेन एम ऑफ इट। द डिमांड वॉज राइज्ड, ये भीम तहसील इन राजस्थान इज वेरी बैकवर्ड रीजन ऑफ राजस्थान, एंड देन उसके बाद एंड देन द डिमांड वॉज फर्स्ट राइज्ड इन, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो विलेजर्स थे असेंट देयर राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना हमें बिल है, कितना बाउचर आएगा, ये सारे के सारे इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल डिस्पेंसरी स्मॉल, ये हमें पता होना चाहिए हमारे एरिया में क्या है। ऑन सच पेपर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके बाद इनमें कम्प्लीटेड किए गए। नॉलेजेस ऑफ द विलेजेस वेयर गॉट
ग्रॉस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब कि जैसे फंड्स दे दिया जाता था बट बाद में आगे वो पहुंचता ही नहीं था। इन 1994 में क्या हुआ एंड 1996 में MRSS ऑर्गेनाइज्ड इन सुनावर्स ऑन पब्लिक व्यास और पब्लिक हियरिंग सुनवाइस, सुनवाइस मीन्स पब्लिक हियरिंग वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर आस्क्ड एंड एक्सप्लेन टू स्टैंडर्ड। बाद में क्या हुआ, सुनवाइज हुई, पब्लिक हियरिंग आल्सो सुनवाइज दैट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ लोगों के बीच में लोगों में मतदान करवाया, मतलब कि एक तरीके से सुनवाई करवाई गई कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको बताया गया कि आपके लिए इतना फंड आता है और आप इतना यूज़ करोगे, इतना यहाँ पे ये यूज़ होगा। ओके, ये था आपका चैप्टर सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट। अब आपके पास टू ही चैप्टर 15 और 16 चैप्टर पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन केस एनी क्वायरी होगी आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू।